नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। सबसे बड़ी बात यूपी टेट और सुपर टेट को लेकर कि अगर अब ये सब कुछ क्लियर हो गया है, बीएड का मुद्दा भी क्लियर हो गया है, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ गया, तो कई सालों से पड़ी भर्ती जो सुपर टेट आने वाली है 51,000 91,000, तो अब ये भर्ती कब आएगी? और इसी क्रम में अभी देखा जा रहा है कि आपके जो योगी जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कई विभागों से ये भी कहा है कि जल्दी से जल्दी जितने भी आपके रिक्त पदे हैं उनका विवरण दीजिए और उन पर जल्दी से जल्दी कार्य स्टार्ट कीजिए, चाहे वो पुलिस भर्ती बोर्ड हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, जो भी हो। तो उसी क्रम में क्या यूपी टेट इस साल आएगा या नहीं आएगा, सुपर टेट होगा कि नहीं होगा, इन सब के बारे में मैं बताता हूँ। और कुछ जो और वीडियो आपके शिक्षा मंत्री का एक है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि उनका क्या कहना है। जैसे अगर आप मैक्सिमम जगह देखोगे तो कहा जा रहा है भर्ती आने वाली है, और हम लोग काफ़ी साल हो गए, ऑलमोस्ट 1 साल 1.5 साल से ऊपर हो गए कि सुपर टेट आ रहा है। अब कब आएगा कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन जब भी आएगा तो इतना ध्यान रखिए कि भर्ती आएगी ज़रूर, और आएगी तो एक अच्छे खासे वैकेंसी में आएगी। मतलब ऐसा नहीं, अब 50 से ऊपर तो मान के ही चलो कि भर्ती आएगी। अब डिपेंड करता है कि यूपी टेट हो सकता है पहले करा लिया जाए, ये हो सकता है कि आपका यूपी टेट करा लिया जाए फिर बाद में सुपर टेट की भर्ती आए, क्योंकि कुछ अभी चीजें आपके पूर्ण रूप से सुपर टेट कराने का भी देखा जाए तो शिक्षा विभाग का अभी मन नहीं है एक तरह से बोला जाए, लेकिन यूपी टेट करा सकते हैं क्योंकि एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, तो वो यूपी टेट करा लेंगे। बाकी भर्ती आने के चांस है, लेकिन कब आने हैं इसका कोई स्पष्टीकरण जवाब कहीं से भी नहीं मिल रहा है, और बच्चे परेशान हैं। कई जगह ये भी बोला जा रहा है कि जल्दी आ जाएगी, तो अभी उसका कोई ये नहीं है कि इस साल हमें मुश्किल लग रहा है आना। हो सकता है यूपी टेट हो जाए, लेकिन सुपर टेट की प्रोबेबिलिटी इस साल बहुत ही कम है। अब वो मैं क्यों बता रहा हूं कि अगर मैं एक आपको यहां पर वीडियो प्ले कर रहा हूं, इसको आप सुनिएगा। हाँ, आप सभी लोग इस वीडियो को सुनिएगा। एक अभी मैं इसको, 2 मिनट रुक जाइए, मैं यहाँ पे एक वीडियो आपका प्ले कर देता हूँ। एक वीडियो है शिक्षा मंत्री जी का, इसमें वो क्या बोल रहे हैं आप खुद ही सुन लीजिएगा कि क्या है उनकी मंशा, अभी इस साल भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, इस पर हम लोग एक बार देख लेते हैं कि उनका कहना क्या है। 2 मिनट बस समय दीजिए आप लोग। ये वीडियो आप देखिए। वो वीडियो चल नहीं रही है, अभी मैं चला के दिखा रहा हूं आप लोगों को। एक बार सुनिए आप लोग इनका बोल रहे हैं क्या। देखिए, अभी इन्होंने बोला है अभी कोई भी विचार नहीं है नई नियुक्तियों का, बाकी चीजें कार्य चल रहा है। अब जब ध्यान से सुनोगे, कई बार इन्होंने बोला है कि वर्तमान में नियुक्ति का कोई भी आशय नहीं है। हाँ, इस बात को ध्यान दीजिएगा, लास्ट में इन्होंने बोला है कि माननीय न्यायालय में हमारी कई नियुक्तियां चल रही हैं, मतलब अभी इनकी
कुछ विवादित जो हैं नियुक्तियां अभी न्यायालय में चल रही हैं, तो जिसके वजह से हो सकता है कि ये अभी इस समय बोले वर्तमान में हमारा कोई नहीं है कि नई नियुक्ति कराने का, लेकिन ऐसा होता है। मतलब अगर कुछ विभाग अब इनके ऊपर भी अगर ऐसा होता है कि हाँ नियुक्तियां आती हैं और कराना पड़ेगा, तो ये उनके लिए बोल रहे हैं कि हम पहले से तैयार रहेंगे, हर चीजें बहुत अच्छी तरीके से कराएंगे, पारदर्शी तरीके से कराएंगे कि उसमें कोई चीज जो है गड़बड़ ना हो। लेकिन फिलहाल अभी इनके पास ऐसा कोई नोटिस नहीं है कि वर्तमान में कोई भर्ती होगी, तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। और इसका कारण भी इन्होंने बताया कि जो न्यायालय में चल रहा है वो पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, उसके बाद ही आगे ये लोग कोई कदम उठाएंगे। तो बच्चों जो आप बोल रहे थे कि सर इसका यूपी टेट और सुपर टेट का क्या होगा, तो ये ध्यान रखिए आएगी तो कंफर्म है, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि बिना आए रहेगी, भर्ती है, रिक्त पद भी हैं। जो कहा जा रहा है अब वो 51 हो या 91 हो, ये कंफर्मेशन कब होगी, जब आएगी 51 या 91 कब, जब भर्ती आएगी। तो अभी मैं कुछ ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि इतनी भर्तियां हैं और आप हाँ, लेकिन तैयारी अपनी रखिए, जितने भी डीएलएड स्टूडेंट हैं प्राइमरी में अच्छी खासी भर्ती आने वाली है, बाकी बीएड के लिए क्या होता है क्या नहीं वो तो जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और एनसीटीई ने भी सभी राज्यों को बोल दिया है कि आप इसी के तर्ज पर आप अपना जो है जो भी होगा उसे आप अगला जो कार्यक्रम होगा होगा, क्योंकि उस पर भी अभी कोई राज्य सरकार की प्रतिक्रिया नहीं आई है, तो अभी कुछ भी कहना मेरे लिए सही नहीं होगा कि क्या ये बीएड के लिए होगा कि नहीं होगा। वो तो जब भर्ती आएगी या कुछ ये अपना अध्यादेश ला के चाहे कुछ भी करके कानून बना के कुछ ऐसा करें वो बात की बात है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो यही बोलता है कि डीएलएड वाले बच्चों को अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। यूपी टेट एटलीस्ट वो अगर आती है तो यूपी टेट कराया जाएगा, तो उसके लिए तो कम से कम तैयारी रखें, बाकी प्रिपरेशन करते रहिए जरूर ना जरूर, क्योंकि एक दिन में किसी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं होती है, आप भी समझते हो, एक दिन दो महीने तीन महीने में प्रिपरेशन नहीं होती है। अगर आपको नौकरी लेनी है आज के सिनेरियो में तो ऑलमोस्ट आपका टारगेट होना चाहिए कि हमें अपने आप को 6 मंथ, ये मिनिमम का टारगेट है। अगर आपके आज के कंपटीटर्स को कंप्लीट करना है और आप फ्रेशर हो तो 6 महीने का टारगेट लेकर चलिए किसी भी एग्जाम को बीट करने के लिए। बाकी जो भी सूचना मुझे प्राप्त होगी मैं जरूर आपके समक्ष रखूंगा। जिसको भी कोई दिक्कत कोई समस्या है आप वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा, अपनी समस्या बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। जो भी इन्फॉर्मेशन और मुझे प्राप्त होगी हम आपसे जरूर साझा करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।